बिस्मिल्लाह इर्रहमान इर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर अफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एलर्जी ब्रोंकाइटिस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, एलर्जी ब्रोंकाइटिस में हमें क्या क्या सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं, इसकी वजह क्या होती है जिसमें हमारे जिसम में एलर्जी ब्रोंकाइटिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं, और लास्ट पे मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन का एक कम्बिनेशन बताऊंगा जिसको आप इस्तेमाल करके एलर्जी ब्रोंकाइटिस के केस में बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो खुद को क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूँ डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल तक में कुछ आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एलर्जी ब्रोंकाइटिस क्या होता है। एलर्जी मतलब एलर्जन, फॉरन पार्टिकल, ये कुछ भी हो सकता है जिसके वजह से हमारा जिसम की जो इम्यून सिस्टम होता है जो वो हाइपर एक्टिव जो है ना वो हो जाता है। तो ब्रोंकाइटिस यानी ब्रोंक्योल में इंफ्लेमेशन, जो लंग्स की मेन जो है ना वो नाली होती है जिसके जरिए हम सांस लेते हैं, इसको ब्रोंक्योल भी बोलते हैं। अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, अगर ये ब्रोंक्योल किसी भी एलर्जन के साथ कॉन्टेक्ट जो है ना कॉन्टेक्ट होने की वजह से इसमें इन्फ्लामेशन जो है ना वो हो जाए, तो ऐसी सूरत को जो है ना एलर्जी ब्रोंकाइटिस कहते हैं। यानी अगर किसी एलर्जन यानी अगर कोई एलर्जन हमारे ब्रोंक्योल में इन्फ्लामेशन पैदा कर दे और उसकी वजह से जो हमारी ब्रोंक्योल जो है लंग्स की जो छोटी छोटी जो है ना वो ट्यूबे होती हैं उसमें म्यूकस जो है ना उसकी फॉर्मेशन देखने में आए, स्पूटम की फॉर्मेशन देखने में आए, तो ऐसी सूरत को जो है ना एलर्जी ब्रोंकाइटिस कहते हैं। दोस्तों, ये किसी भी एलर्जन के जो ब्रोंक्योल में कॉन्टेक्ट के साथ होने से हो सकता है, यानी किसी डस्ट की वजह से भी हो सकता है, किसी केमिकल के कॉन्टेक्ट की वजह से भी हो सकता है, किसी मोल्ड जो होती है उसकी वजह से हो सकता है, यानी जो किसी पर्दे की जो एक खुशबू होती है उससे, या अगर किसी नमी वाली जगह पे जाने से जो अजीब स्मेल आती है उसकी वजह से, या किसी कारपेट की वजह से, या फिर अगर किसी कोई इंसान जो है ना वो क्रोनिक डिजीज की वजह से जो लंबे अरसे से मेडिसिन जो है ना वो इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी वजह से भी ऐसा जो है ना वो पॉसिबल हो सकता है। उसके साथ तंबाकू की वजह से, अल्कोहल की वजह से, या फिर सिगरेट की वजह से जो होती है हवा में, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों, ये चंद एक कॉजेज थी इसकी वजह से जो एलर्जन है वो हमारे ब्रोंक्योल में जो है ना जाके इन्फ्लामेशन पैदा कर सकता है और उसमें एक स्पूटम की फॉर्मेशन जो है ना वो देखने में आती है और उसमें हमें उनको सांस लेने में जो है ना दिक्कत होती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से साइन और सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को देखने में आते हैं एलर्जी ब्रोंकाइटिस के केस में। तो दोस्तों, सबसे पहले जो सिम्टम है पेशेंट को वो है रैटलिंग कफ का, यानी पेशेंट को बहुत ही ज्यादा जो है ना एक स्पूटम की जो फॉर्मेशन है वो लंग्स में जो है ना वो इकट्ठी जो है ना हो जाती है और उसकी जो एक्सपेक्टोरेशन होती है वो बहुत ही मुश्किल से जो है ना होती है और मुश्किल से जो स्पूटम है वो निकलता है और जब भी थोड़ा निकलता है तो उसका जो जायका होता है वो थोड़ा सा नमकीन होता है और चेस्ट वाले रीजन पे सफोकेशन का एहसास जो है ना वो पेशेंट को फील होता है और उसके साथ पेशेंट को जो है ना चेस्ट पे पेन का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है और उसके साथ दोस्तों पेशेंट को जो है ना कभी कभार ड्राई कफ जो है ना वो भी देखने में आती है और उसके साथ जो पेशेंट को चेस्ट वाले रीजन पे सफोकेशन और जब भी पेशेंट चलता है तो उसको जो सांस में मसला जो है ना वो भी देखने में आता है, उसका सांस जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना वो फूलता है और उसकी वजह से जो जिसमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है ना वो पेशेंट बहुत ज्यादा जो है ना एक वीकनेस डायबिलिटी जो है ना वो फील करता है और उसके साथ जो जो सिम्टम होता है वो वीजिंग जो है ना वो साउंड जो है ना वो पेशेंट के चेस्ट से जो है ना वो आती है, यानी पेशेंट जब भी सांस लेता है तो उसके साथ एक वीजिंग की साउंड जो है ना वो अक्सर उकार जो है ना वो पेशेंट को देखने में आती है, यानी इस तरह का महसूस होता है कि जैसे कुछ चीज सांस की नजर नाली में जो है ना एक रुकावट पैदा कर रही है और पेशेंट जो है ना उसकी वजह से जो है ना एक गले में जो है ना एक साउंड जो है ना वो प्रोड्यूस होता है जिसको वीजिंग साउंड कहते हैं और चेस्ट पे जो है ना वो बारीपन और चेस्ट वाले रीजन पे सफोकेशन का एहसास होता है और उसके साथ पेशेंट जो है ना अनकंफर्टेबल एंजियस पेशेंट और रेस्टलेस पेशेंट जो है ना वो फील करता है। दोस्तों, ये चंद एक क्लियर सिम्टम थे जो कि एक एलर्जी ब्रोंकाइटिस के केस में पेशेंट को जो है ना वो देखने में आते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन का एक कम्बिनेशन बताता हूँ जिसको आप इस्तेमाल करके एलर्जी ब्रोंकाइटिस के केस में बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो खुद को क्योर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो मेडिसिन है एलर्जी ब्रोंकाइटिस के केस में वो है आसनकम एल्बम। दोस्तों, आसनकम एल्बम वीजिंग साउंड की बहुत ही अहम मेडिसिन है, यानी ऐसे लोग जिनको चेस्ट वाले रीजन पे एक वीजिंग साउंड का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है और पेशेंट जो है ना बहुत ही ज्यादा एंजियस और रेस्टलेस जो है ना वो पेशेंट होता है और पेशेंट जब भी चलता है तो उसको जो है ना वो सांस जो है ना वो फूलती है और चेस्ट वाले रीजन पे एक सफोकेशन का जो है ना वो एहसास होता है और पेशेंट की छाती जो है ना उसमें एक जकड़न जो है ना वो होती है, सांस लेना पेशेंट का मुश्किल होता है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है आसनकम एल्बम। दोस्तों, उसकी जो सेकंड मेडिसिन है वो है स्पंजिया टोस्टा। दोस्तों, स्पंजिया टोस्टा ड्राई कफ की बहुत ही अहम मेडिसिन है,
यानी जो पेशेंट होता है उसको खुश्क खांसी होती है, और पेशेंट को ना गर्म पानी पीने से थोड़ा सा जो है ना वो सुकून महसूस होता है, और उसके साथ जब भी पेशेंट चलता है तो चलने में उसका सांस जो है ना वो फूलता है, और पेशेंट का जो एक जिसमें वीकनेस जो है ना वो देखने में आती है, चेस्ट पे एक बारीपन जो है ना वो देखने में आती है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना स्पंजी टोस्टा बहुत ही अच्छा वर्क करती है। मेडिसिन है वो है अंटम टार, ये दोस्तों बहुत ही अच्छा असर करती है रैटलिंग कफ में, यानी ऐसी कफ जिसमें जो पेशेंट होता है उसको चेस्ट पे एक जो लंग्स है उसमें एक जो है ना स्पूटम की फॉर्मेशन हो गई हो, स्पूटम की कलेक्शन हो गई हो, और पेशेंट की जो स्पूटम होता है उसको निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत जो है ना वो देखने में आती हो, और पेशेंट बहुत ज्यादा जो है ना एक रेस्टलेस पेशेंट जो है ना वो देखने में आता है, चेस्ट पे एक दर्द का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है, चेस्ट पे एक सफोकेशन का एहसास होता है, और उसके जो है ना जब भी स्पूटम जो निकलता है तो उसका जो जायका होता है वो थोड़ा सा नमकीन होता है, पेशेंट के चेस्ट वाले रीजन पे जो है ना वो सफोकेशन का एहसास होता है। दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है एंटीबायोटिक। दोस्तों अब मैं आपको इस मेडिसिन जो है ना उसको लेने का तरीका बताता हूँ। दोस्तों अगर किसी को वीजिंग साउंड का मसला आ रहा है या वीजिंग साउंड का सिम्टम जो है ना वो खुद में महसूस कर रहा है एलर्जी ब्रोंकाइटिस के केस में, तो वो पारसंकम एल्बम को जो है ना वो 200 CH में जो है ना वो इस्तेमाल करे सुबह के टाइम खाना खाने से 1 घंटा पहले। दोस्तों उसके बाद अगर किसी को ड्राई कफ का सिम्टम है तो उसमें ये मेडिसिन जो है ना वो स्पंजी टोस्टा 200 CH में जो है ना वो 2 ड्रॉप खाना खाने से 1 घंटा पहले जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों उसके बाद अगर किसी को रैटलिंग कफ का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ रहा है तो ये मेडिसिन जो एंटम टार्ट है ये भी 200 CH में जो है ना वो सुबह के टाइम जो है ना वो 2 ड्रॉप जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों अगर कोई बुजुर्ग है तो उसको ये रैटलिंग कफ का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ रहा है, एलर्जी ब्रोंकाइटिस का सिम्टम जो है ना देखने में आ रहा है, तो उनको ये मेडिसिन जो है ना वो सुबह दोपहर शाम जो है ना 3-3 ड्रॉप जो है ना वो 200 CH में जो है ना आसनकम एल्बम सुबह के टाइम, स्पंजिया टोस्टा दोपहर के टाइम, और जो एंटम टार्ट है वो इवनिंग के टाइम जो है ना वो 3-3 ड्रॉप जो है ना वो इस्तेमाल करें 200 CH में, तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है अगर किसी को एलर्जी ब्रोंकाइटिस के केस में, तो बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो खुद को क्योर करें। दोस्तों अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।